हेलो गाइस, मेरा नाम रविशंकर तिवारी, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए कहते हैं ना, आईएएस वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, पैसा भी कमाओ। मजाक कर रहा था। तो आज हम जानेंगे पांच ऐसे आईएएस जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के उन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया। वो स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, आज इंडिया में बूम मचा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है, डॉक्टर सईद सभांत अजीम करके, इन्होंने क्या किया था, ये आईएएस रैंक के अधिकारी थे और इन्होंने क्या किया था, अपना जॉब क्या किया था, क्विट कर दिया था। और 2000 में इन्होंने क्विट करने के बाद इन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्लोकल। क्या नाम था? ग्लोकल। ग्लोकल के तहत ये क्या करते थे, इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी। इन्होंने प्रॉब्लम क्या देखी, जो डॉक्टर हैं, ठीक है कि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो ट्रेंड डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर वो नहीं है। तो जो बढ़िया डॉक्टर नहीं थे उनको ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, हर जगह एक बेहतरीन डॉक्टर हो और डॉक्टरों की जो एक शहर में मोनोपोली होती है वो कम हो सके। हालांकि इनका एक काफ़ी ह्यूमनिस्टिक स्टार्टअप है, आई थिंक फ्यूचर में और भी बूम करेगा। जो दूसरे हैं वो हैं, क्या है, राजन सिंह करके। इनका जो स्टार्टअप है उसका नाम क्या है, कॉन्सेप्ट आउल। इसमें ये क्या करते हैं कि जो बच्चे, हालांकि ये भी तिरुवनंतपुरम में कमिश्नर थे, उसके बाद इन्होंने 8 साल बाद जॉब क्विट कर दी और इन्होंने अपना जो स्टार्टअप वो चालू किया, क्या है इसका नाम, कॉन्सेप्ट आउल करके। आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट आउल क्या करता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं, जब वो टीचर से पढ़ते हैं ऑनलाइन तो 2D में फील करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको वर्चुअली मतलब एक क्लास में फील कराते हैं। आपने देखा होगा जैसे गॉगल्स लगा के जो नहीं होता है, जिससे देखते हैं। और ये भी स्टार्टअप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले टाइम में काफ़ी बूम करेगा जब हर किसी के पास 5G स्टार्टअप, जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे सिद्धांत सर। हमारा एक NCERT का कोर्स है जो UPSC के लिए काफ़ी बेटर है, आप उसको प्लीज़ अवेल करें। अभी जो हमारा जो वो कह रहे हैं डिस्काउंट हो 25% है, ये डिस्काउंट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो प्लीज़ अवेल करें, हमारा काफ़ी अच्छा ये कोर्स है। अब आते हैं परवेज शर्मा, ठीक है। इन्होंने भी आईएएस क्रैक किया था और आईएएस क्रैक करने में कुछ साल बाद इन्होंने क्या किया, अपने जॉब छोड़ दिया और इन्होंने एक स्टार्टअप किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया सब्जी वाला। इसमें ये क्या करते हैं, जो किसान होता है और जो घर के लोग होते हैं, इनके क्या करते, जोड़ते हैं किसानों से, फ्रेश टू फ्रेश सब्जी उठाते हैं और घर घर तक पहुँचाते हैं। इससे किसानों को भी फायदा होता है, लोगों को भी अच्छे खाने मिलते हैं। अब मेरा भी मानना है कि ये इनका स्टार्टअप काफ़ी ग्रो करेगा। अब हैं रोमन सैनी, जैसे इनका बाल खड़ा है ना वैसे इनका दिमाग बहुत तेज खड़ा है, और इनके बारे में बताने की तो जरूरत है नहीं। एन अकेडमी के ये फाउंडर हैं जो आज 36,000 करोड़ की कंपनी है। इन्होंने एम्स क्रैक किया 16 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में IAS क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इन्होंने रिसर्च पेपर भी लिखे थे और आज इन्होंने कंपनी बनाई। तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और एन अकेडमी फ्यूचर में और भी ग्रो करेगा ही। अब आता है विवेक कुलकर्णी, ये भी एक IAS ऑफिसर थे और इन्होंने कुछ सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, 28 सालों के बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जॉब क्विट कर दिया। इन्होंने एक नया स्टार्टअप चालू किया जिसमें ये क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट देते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे असिस्टेंट नहीं होती है तो वैसे ही वो क्या करते हैं, वर्चुअली ऑनलाइन आपको असिस्टेंट देते हैं जो आपका काम धाम ये संभाल सके। और ये तो जानते हैं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो फ्यूचर है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में इनका भी स्टार्टअप काफ़ी ग्रो करेगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।